बेसिक मैथ्स कंप्लीट हो गए, उसकी एक प्लेलिस्ट है, उसको आप देख सकते हैं चैनल पर जाके। आज लॉगरिदम स्टार्ट हो जाएगा। तो लॉगरिदम की सबसे पहली चीज क्या होती है? हाउ टू रीड लॉगरिदम, लॉगरिदम को पढ़ते कैसे हैं। कहीं भी लिखा है जैसे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज पाई, इसको पाई पढ़ते हैं, एक सिंबल है इसका। वैसे लॉगरिदम कैसे पढ़ते हैं, यहाँ पे लॉग, एक मैंने लॉग वैल्यू लिखी है, इसको पढ़ेंगे कैसे? इस चीज को पढ़ेंगे लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, और ऐसे ही पढ़ सकते हैं लॉग बेस ए ऑफ बी। तो पढ़ना जान गए हाउ टू रीड अ लॉगरिदम, लॉग वैल्यू लिखी है उसको पढ़ेंगे कैसे। अब जैसे मैं लिख रहा हूं लॉग 4 to the base 3, इसको पढ़ेंगे लॉग 4 to the base 3, लॉग 5 to the base 2, हाउ टू रीड लॉगरिदम। सेकेंड इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ लॉगरिदम, लॉगरिदम की मीनिंग क्या होती है, मीनिंग ऑफ लॉगरिदम। मीनिंग होती है जैसे मैं कोई लॉग वैल्यू लिख रहा हूं, लॉग वैल्यू बेसिकली क्या होता है, पावर। अब जैसे मैं एग्जांपल समझाऊंगा, 4 की पावर 3 करने पे कितना आता है, 4 × 4 × 4, दिस इज 64। 4 की पावर 3 करने पे 64 आता है, तो लॉगरिदम की जो वैल्यू आती है यही पावर आता है, दिस इज लॉग वैल्यू। जो पावर है ये होता है लॉग वैल्यू। अब ये आएगा कैसे, दिस 3 इज log 4 log base log to the base 4 of 64, या log 64 base 4, log of b to the base a, log of 64 to the base 4। इसका मतलब ये हुआ, log of b to the base a का मतलब हुआ कि a का कितना पावर किया गया कि b आया, a का कितना पावर हुआ कि b आया, या फिर 4 का कितना पावर, 4 का 4 में कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ कि 64 आया, 3 बार। मींस यहां पर देखो ये 4 यहां चला जाता है, यहां लॉग हो जाता है, तो ये पावर की वैल्यू क्या है, 3। जो यहां पे पावर की वैल्यू 3 है वही यहां पे लॉग की वैल्यू आ रही है, ठीक। मतलब कि 4 में कितना पावर किया गया कि 64 आ गया, 3 पावर किया गया। ऐसे एक एग्जांपल और, लॉग 4 to the base 2, इसका मतलब क्या हुआ, 2 का कितना पावर करेंगे, 2 का कितना पावर करेंगे कि 4 आएगा, कितना पावर करेंगे, 2 की पावर x = 4, मतलब 2 की पावर कितना करेंगे कि 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 2 = 4, तो इसका मतलब इस लॉग की वैल्यू क्या आएगी, 2, ठीक। अब हम एक जनरल फॉर्म लेते हैं लॉग का, लिखते हैं इस, हमने अब तक क्या किया था, 4 की पावर 3 = 64 किया था, लेकिन हम अब करते हैं एक एन नंबर लेते हैं, कोई एन इक्वल टू ए की पावर एक्स ऐसा लेते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, अब क्या होगा, लॉग ऑफ ए टू, लॉग ऑफ एन टू द बेस ए इक्वल टू एक्स आएगा, ये होता है जनरल फॉर्म। मतलब कि ए का कितना पावर करेंगे कि एन आ जाए, ऊपर देखो ए की पावर एक्स करने पे क्या आ रहा है, एन एन। अब लॉग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ बेस कैन नॉट बी 1, लॉग का बेस क्या है ये। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट क्या है, बेस कैन नॉट बी 1, बेस कैन नॉट बी 1, बेस 1 नहीं हो सकता, क्यों, यहां पे बेस क्या है, ए है ए, और यहां पर ए क्या है, यही चीज यहां पर बेस है। मतलब अगर इसकी वैल्यू हम भी मान लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, बी इक्वल टू ए की पावर बी,
मतलब एक ही पावर भी करने पर, एक ही पावर भी करने पर भी आ रहा है ना, तो एक ही पावर भी किया मैंने वी वी, एक ही पावर वी किया तो बी आएगा। इसका मतलब ये ए जो है यहाँ पर बेस है। अब ए इसलिए वन क्यों नहीं हो सकता ए, क्योंकि अगर वन हो जाएगा वन तो बी की वैल्यू कुछ नहीं आ सकती, सिर्फ वन ही आएगी। अगर ये यहाँ पे वन आ गया तो ये वन ही आएगा बी, इसलिए इसको वन नहीं लिया जाता बेस को, ठीक। क्योंकि देखो बी इक्वल टू वन की पावर बी, तो बी की वैल्यू भी आ गई वन, ठीक। तो ऐसा मतलब मल्टीपल आंसर हो सकते हैं इसके, तो भी की उसके बाद अब फिर ऐसा लिखना बचा ही नहीं, तो वन की कुछ भी वन है उसका कोई भी पावर करो वन ही आएगा, तो फिर ऐसा इसलिए बेस को वन नहीं लिया जाता है। बेस ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, ठीक। सेकंड चीज क्या है, बेस को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, बेस ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव, जीरो भी नहीं हो सकता ये बेस जो है, ये जीरो भी नहीं होता। मतलब जो ए की वैल्यू है यहाँ पर, ए ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। आगे का नेक्स्ट पार्ट में।